टिकटॉक बंद होने से बहुत ज़्यादा दुख हुआ। टिकटॉक ज्वाइन करते ही मैंने जॉब छोड़ दी, तो अभी एक इनकम का साधन टिकटॉक ही था। देखिए टिकटॉक पर ना पहले भी उंगलियां उठाई गई हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि टिकटॉक पर पहले भी बैन लगा है। यस, हमारी भी इनकम थी, इससे नुकसान तो हुआ है, बट कोई बात नहीं। बहुत बुरा लग रहा है, मैंने खाना भी नहीं खाया टिकटॉक बंद होने से। टिकटॉक बैन होने से बहुत दुख है हमें, बट कहीं ना कहीं हमें अच्छा फील हो रहा है कि ये चाइनीज़ का हम बहिष्कार कर रहे हैं, चाइना ऐप का बहिष्कार कर रहे हैं, और हमको ये इंडिया का ऐप चुनेंगे जिसपे हम अपना टैलेंट कंटेंट दिखाएंगे, तो हमारा इंडिया का ऐप अच्छा आगे जाएगा, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी होगी इससे। इसी से टिकटॉक से ही इनकम थी आपकी? या अभी से पहले टिकटॉक से पहले मैं जॉब करता था, बट टिकटॉक ज्वाइन करते ही मैंने जॉब छोड़ दी, तो अभी एक इनकम का साधन टिकटॉक ही था, और देखेंगे अब कोई दूसरा रास्ता बनाएंगे। कितने फॉलोवर थे और कितनी इनकम थी आपकी? हमारे फॉलोअर्स 22 लाख करीब हैं टिकटॉक पे, 2.2 मिलियन, और इनकम के मंथली में यही कोई 30 से 40 हज़ार अभी मैं स्टार्टिंग में कमा रहा था। कितने ही मतलब दिक्कत होगी? अभी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐप बंद हो गया है और इसी ने हमें एक अच्छी ऐसी पहचान दी है, तो अभी मैं यही है आज कि कोई इंडिया का ऐप आए और हम अपना कंटेंट टैलेंट वहाँ पे दिखाएं और इसी तरह और आगे तक जाएं। भारत में टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। टिकटॉक कुछ भी नहीं, बस एक टाइम पास का जरिया था, अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स लोगों से शेयर करना था, और अगर देखा जाए तो इसमें हर तरह से वीडियो भी थे। निगेटिव देखे तो काफी ज्यादा निगेटिव वीडियो होते थे, और पॉजिटिव देखे तो काफी बेहतर अच्छे अच्छे वीडियो होते थे। कुछ लोगों से जान पहचान भी होती थी, कुछ ऐसा देखने को मिलता था जो हमारे लिए अच्छा भी होता था, और काफी अच्छी अच्छी चीजें भी थी। लेकिन अगर जहाँ भारत की बात आती है तो वहाँ हमारे लिए टिकटॉक कुछ भी नहीं है। रही बात टिकटॉक की, तो हम आम इंसान लोगों ने ही टिकटॉक को उस लेवल तक पहुँचाया था जहाँ वो आज था। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत नाम कमाया, और यही अर्निंग का साधन था। लेकिन हमारे भारत सरकार ने जो फैसला लिया है हम उसके साथ हैं, क्योंकि देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारा पास टैलेंट है, हम कहीं और भी दिखा लेंगे, तो हम भारत सरकार के फैसले के साथ हैं। देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, और टिकटॉक पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती थी, बहुत सी बुरी चीज़ें भी, तो वो तो हर फील्ड में है। और जैसा कि टिकटॉक बैन हो रहा है, सो हम इसके साथ हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी चाइना ने वॉर किया है हमारे इंडिया पे बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है टिकटॉक को डिलीट करने में, और बहुत सारे इंडिया के ऐप आएंगे, हम वो यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इंडिया ना, तो हम इंडियन का ही सपोर्ट करेंगे, इंडियन ऐप का ही सपोर्ट करेंगे, तो टिकटॉक हमारे लिए इतना ज़रूरी भी नहीं है। हाँ ये है कि टिकटॉक के थ्रू मुझे बहुत सारे प्रमोशनल वीडियोज़ के चांस मिले, ऐड शूट भी, तो कोई बात नहीं, हमारे अंदर टैलेंट है तो हम उसे कहीं भी शो ऑफ कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि हमारे इंडिया वाले भी बहुत जल्द ऐसा कोई ऐप बनाएंगे कि जैसे कि टिकटॉक पे इंडिया के लोग इतना फेमस हुए हैं, उन्होंने काफ़ी वर्क किया है, उनकी इनकम भी थी, सो हमारे इंडिया में भी ऐसा होगा। आपकी भी इनकम थी, इससे कितना नुकसान हुआ? यस, हमारी भी इनकम थी, इससे नुकसान तो हुआ है, बट कोई बात नहीं। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि सारे के सारे चाइनीज़ ऐप बंद करने के लिए, तो हम इसके सपोर्ट में हैं। टिकटॉक बंद हुआ कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, मैंने खाना भी नहीं खाया टिकटॉक बंद हो गया। कुछ कमाई होती थी उससे? हाँ जो भी होती थी, लेकिन देश के लिए कोई बात नहीं, जो भी है हुआ ठीक ही हुआ, देश के लिए तो सही है, वही सही। टिकटॉक बंद होने से बहुत ज़्यादा दुख हुआ, पर काफ़ी लाइकें आती थी मेरे, लगभग 8 के फॉलोवर हैं मेरे, लाइकें भी आती थी और मेरी थोड़ी बहुत इनकम भी होती थी, तो इस हिसाब से सरकार ने जो भी किया सही किया हमारे भविष्य के लिए, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग भी होती थी इससे। सर देखिए टिकटॉक पर ना पहले भी उंगलियां उठाई गई हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि टिकटॉक पर पहले भी बैन लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके वो बैन हट गया था, क्योंकि उसके कुछ रीज़न थे जो वैलिड नहीं थे। अब अगर सरकार ने जो चाइना और हमारे बीच जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बाद कुछ रीजन्स ही होंगे, अपनी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने ऐसा किया है, तो मैं सरकार की फैसले के साथ सहमत हूँ, क्योंकि शायद ज़रूरी भी था। कितने फॉलोअर्स आपके थे, कब से इस काम को कर रहे हैं? मेरे 1.8 मिलियन फॉलोअर्स थे टिकटॉक पर, और ये मैं 4 साल से कर रहा हूँ। 4 साल जब मतलब इसमें बेस्ट चीज़ यही होती है कि आप अमीर हो या गरीब हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप अकेले हो तो टिकटॉक बहुत आसान है चलाना, और इसलिए
हर किसी के मोबाइल में आज टिकटॉक मिलेगा। इनकम की अगर बात की जाए तो कितनी इनकम आपने लगभग की होगी इससे? देखिए स्टार्टिंग में तो कोई इनकम नहीं हुई थी मेरी, 3 साल तक कुछ नहीं हुई थी। अभी 3-4 महीने से ही मेरा काम चलने लगा था टिकटॉक पर, तो अभी तक मैंने अराउंड 2.5 लाख तक कमा लिया होगा। कितनी टीम आपके साथ इसमें काम करती है, अकेली करती है? इसमें सबसे अच्छा बेस्ट चीज़ यही है कि इसमें टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप में काबिलियत है तो आप अकेले ही कर सकते हो इसको बहुत अच्छा। अब टिकटॉक बैन कर दिया गया है, आगे क्या करेंगे क्या? देखिए मेरा तो स्टार्टिंग से ही एंटरटेन करने का काम था, टिकटॉक नहीं तो कोई और आएगा। प्लेटफॉर्म की चाहिए होता, जिस पे काबिलियत होती है वो किसी ऐप पर डिपेंड ही नहीं करता। और मेरे को लोगों ने जब से ये टिकटॉक बैन हुआ है तो इंस्टाग्राम पर इतना प्यार दिया है ना, मतलब कभी सोच नहीं सकता था कि इतना प्यार मुझे मतलब मिलेगा। तो अब मैं यूट्यूब करूँगा, बहुत सारी प्लेटफॉर्म है तो कहीं भी जा सकता हूँ। बाकी लोगों से जो टिकटॉक यूज़ करते थे उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए बुरा तो सबको लगेगा क्योंकि बहुत लोगों के घर की रोटी चलती है इससे। ये ऐप सिर्फ ऐप नहीं है, मतलब इससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका घर चलता है। मैं तो लड़का हूँ नया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास कोई रास्ता ही नहीं होगा।